हेलो गाइड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजस्थानी रेसिपीज रश्मि व्लॉग यूट्यूब चैनल में। आज हम बना रहे हैं आटा कुकीज़। आप देख रहे हो चॉकलेटी आटा कुकीज़, और इसे घर पे बनाना बहुत आसान है। तो दोस्तों, अभी तक आप नए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, एक पीस पहले आटा कुकीज़ को तोड़ कर मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने बढ़िया बने हैं। एकदम से सॉफ्ट और क्रंची कुकीज़ है, खाने में क्रंची लगेंगे और एकदम से सॉफ्ट बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट्स तैयार होते हैं। तो आप हमारी वीडियो को फुल देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले लेंगे 50 ग्राम बटर, और बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो स्पून की सहायता से बटर को मेल्ट कर लेते हैं। एकदम सिंपल किचन के नॉर्मल सामान से आप ये बिस्किट्स तैयार कर सकते हो। मार्केट से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैंने डाल दिया शुगर पाउडर। तो 50 ग्राम बटर के अंदर आप 60 ग्राम से 70 ग्राम शुगर पाउडर डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो 5 मिनट का आपको टाइम लगेगा यहाँ पर इस प्रोसेस में, बाकी टाइम कुछ भी नहीं लगता है। बस ये बटर और शुगर को मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 5 मिनट तक मैं स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जब तक कि इसका क्रीमी टेक्सचर नहीं आता तब तक हमें इसको मिक्स करना है। तो 5 मिनट का टाइम लगेगा और मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो बटर का जो टेक्सचर है वो देखिए कितना बढ़िया, एकदम से क्रीमी टेक्सचर हो चुका है। चलते हैं, अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे नॉर्मल गेहूं का आटा। यहाँ पे आप मैदा भी यूज कर सकते हो, बेसन के बना रहे तो बेसन से भी बन सकते हैं। तो ये मैंने लिया 1 कप नॉर्मल गेहूं का आटा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर क्रंचीपन लाने के लिए हम यूज करेंगे सूजी का। तो 1 बड़ा चम्मच, जिस चम्मच से मैं मिक्स करी हूँ वो चम्मच मैंने यहाँ पर सूजी ले ली है, और ये मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। ये चुटकी भर नमक, और ये अमोनिया पाउडर, 2 ग्राम अमोनिया पाउडर डालेंगे। अमोनिया पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए 2 चम्मच यानी 2 छोटी चम्मच दूध डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें मिक्स करना है हाथों की सहायता से, तो स्पून को निकाल देंगे और हाथों से बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। बस यही प्रोसेस है, बस इतना ही आपको सामान चाहिए। और इस तरह से आप देख सकते हो डो बन रहा है, मतलब अच्छे से पूरा डो जो है वो तैयार हो जाएगा। तो डो तैयार हो जाए तो आप उसको 10 मिनट के लिए साइड में रख दें, और 10 मिनट के बाद हम इसकी प्रोसेस करेंगे। बैटर को हम निकाल लेंगे और इस तरह 2 भागों में डिवाइड करेंगे। बराबर से चेक कर लेंगे कि देखिए 1 बाउल हो रहा है ये डो, बस इतना ही वो होना चाहिए। तो ये बराबर के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसमें बीच का जो लेयर बनाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट्स दोनों के अंदर से निकाल दिया है। एक डो को हम साइड में रख देते हैं, तो ये मैंने साइड में रख दिया है, और दूसरे जो छोटा पीस हमने निकाला है इसको भी मैं साइड में रख दूंगी। और जो बचा हुआ डो है, ये देखिए 2 तरह के डो मैंने निकाल दिए हैं। जो बचा हुआ डो है इसके अंदर हम डाल देंगे कोको पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। तो 2 टीस्पून कोको पाउडर डाल दें और इसको मिक्स कर लें, तो ये चॉकलेटी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देख सकते हो डो हमारा जो है चॉकलेटी तैयार हो गया है। तो अब हमें रेस्ट पे नहीं छोड़ना है, अब हम डायरेक्टली इसको तैयार कर लेते हैं। तो अब चलिए लेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे थोड़ा डो हमने बचा के रखा है, सबसे पहले उसकी बीच की लेयर बना लेते हैं। तो ये डो मैंने निकाल लिया है, और इसको थोड़ा हाथों से दबा करके इस तरह से पहले स्मूथ करेंगे, और फिर इस तरह से हथेली की सहायता से इसको लंबा लंबा बेल लेंगे। जैसे हम गट्टे के लिए आटे बेसन को बेलते हैं, सेम वैसे ही हमें बेलना है इसको।
तो ये मैंने बीज की लेयर तैयार कर ली है। तो चलिए अब जो बचा हुआ डो है उसकी भी हम इसी तरह से लेयर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने इसके 6 टुकड़े कर लिए हैं और इसी तरह से एक मैं आपको इस तरह से वापस बेल करके दिखा देती हूँ। इसको हमें पतला बेलना है। इसी तरह से जो चॉकलेटी कलर है उसकी भी हम लेयर बना लेते हैं, पहले हाथों से दबा करके और फिर इस तरह से हथेली की सहायता से हम इसकी पतली पतली लेयर बना लेते हैं। तो दोनों चॉकलेटी और क्रीम कलर की 6-6 लेयर बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो सारी लेयर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको एक साथ अटैच करते हैं। पहले एक चॉकलेटी लेयर लेंगे, उसके बाद क्रीम कलर की, उसके बाद फिर से चॉकलेटी, इस तरह से हम सारी लेयर लगा लेंगे। तो ये मैंने सारी लेयर्स लगा दी है। अब जो बीच के अंदर इसको रखेंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक की सहायता से इसके ऊपर इस तरह से इसको लगा देंगे। इस तरह से देखिए, बस इसको बराबर में लगा दिया है। अब हाथों से हल्का सा इसको दबा करके और प्लास्टिक के अंदर इसको रोल कर लेंगे। और अब इस रोल को आप फ्रिज के अंदर रख दें। 10 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये सेट हो गया है। तो अब हम नाइफ की हेल्प से बिस्किट की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको बिस्किट्स कटिंग कर लेने हैं। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आया है। सारी बिस्किट्स इसी तरह से मैंने कटिंग कर ली है। तो चलते हैं ओवन की तरफ जहाँ पे हम इसे बेक करेंगे। माइक्रोवेव ओवन को पहले प्रीहीट करेंगे कन्वेंशन मोड पे। तो ये कन्वेंशन मोड 180 सेंटीग्रेड आ गया है। तो इसको 2 बार स्टार्ट करेंगे तो ये प्रीहीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट में ये प्रीहीट हो जाता है। इसको आप कुकर में भी बेक कर सकते हो। तो इसी ट्रे को आप कुकर या कढ़ाई में रख करके नीचे बेकिंग सॉल्ट लगा करके फिर आप बेक कर सकते हो। तो मैंने 10 मिनट का टाइमर लगा दिया है और बिस्किट हमारे 10 मिनट में बेक होकर के रेडी हो जाएंगे। बेकिंग ट्रे को रखेंगे, 10 मिनट का टाइमर लगाएंगे और फिर स्टार्ट कर देंगे। तब चाहे आपके पास ओवन नहीं है तो आप कुकर में या फिर कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हो। नीचे नमक फैला दें कढ़ाई में और उसके बाद में आप उसे बेक कर लें। तो लीजिए बिस्किट्स बिल्कुल से बनकर के रेडी हो चुके हैं। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है। वो फूल करके भी बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।